हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम पहुंच गए हैं विश्राम घाट में, जहां पर श्री कृष्णा अपने मामा का वध करके विश्राम किए थे। ये जगह बहुत ही शांत है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहां सुबह और शाम के टाइम में यमुना आरती होती है। मथुरा वृंदावन के जितने भी मंदिर है 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहती है, इसलिए विश्राम घाट आना बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। विश्राम घाट जन्मस्थली से 1 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। अगर आप विश्राम घाट आए हैं तो बोट में ज़रूर आएगा। वासुदेव घाट से वासुदेव जी कृष्णा जी को यमुना नदी पार करके 12 किलोमीटर गोकुल ले गए थे। ये वही यमुना है जहाँ पर यमुना नदी को पार किए और यहाँ पर शेषनाग छत्र बन के वासुदेव जी और कृष्णा जी के ऊपर आए थे, ताकि बारिश हो रही थी उस टाइम पे उन्हें बचा जा सके। ये जो है ये विश्राम घाट के जाने की तरफ की गली है। यहाँ से हम पैदल चलकर जा रहे हैं और आप भी यहाँ से जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने से बहुत सारे साधु आ रहे हैं वहीं विश्राम घाट से पूजा कर। अभी फास्ट फॉरवर्ड में आपको करके दिखा देते हैं कि इतना लंबा रास्ता है, फिर हम यहाँ से चल चल के खुरी गए। फिर हम लोग यहाँ पर शाम में आ गए थे रिफ्रेशमेंट के लिए और फिर हमने शाम की आरती भी अटेंड करी। उसके बाद हमने नदी की पूजा भी करी। फिर अभी आपको दिखाते हैं हम लोग नेक्स्ट डे आ गए थे यहाँ पे बोट की सैर करने के लिए। तो सुबह सुबह हमारे साथ बहुत सारे और भी ज़्यादा लोग आए थे और जहाँ जहाँ हम घाट में जा रहे थे, जिस जिस भी घाट में, हमें बहुत अच्छे से ये जो नाविक है हमें बता रहे थे कि कहानी क्या क्या है यहाँ की। हर घाट की कहानी बता रहे थे, आप जरूर सुनिएगा, मैं क्लिप डाल दूंगी यहाँ पर। सबसे पहले आके यमुना मैया से मिले थे, इसीलिए सामने कृष्ण मिलन मंदिर बना हुआ है। देखो ये सामने वाला मामा कंस का महल है, लाल पत्थर वाला है, जो रेड कलर का है ना, ये लाल पत्थर वाला जो दिख रहा है सबसे ऊंचा बिल्डिंग, ये कंस किला है, कंस महल। देख लो भैया, ये सामने वाला ना लाल पत्थर वाला, ये कंस का किला है। हाँ ये कंस महल है, खंडर है, इसमें कुछ भी नहीं है। और देखो ये सामने वाला है ना, यहाँ पे लगा हुआ वासुदेव घाट, नीचे सामने से लेके और वहां तक ये वासुदेव घाट है। इधर से कृष्ण भगवान को लेके गए थे वासुदेव यमुना पार करके गोकुल के लिए। हाँ इधर से जन्म स्थान का रास्ता 3 किलोमीटर अंदर मार्केट में हो गया, आप जन्म स्थान जा सकते हो सीधा एकदम। जब भगवान को लेके आए थे वासुदेव जी तो उनको जाने का रास्ता नहीं दिखा, यमुना जी से जाने का रास्ता था, सोचना यमुना जी तो बहुत गहरी है, यमुना पार करके लाला को कैसे लेके जाऊंगा। तो जैसे जैसे आगे आगे आए यमुना जल में उनके यहाँ तक पानी आ गया। हाँ ये सामने वाला यहीं से सीधा रास्ता है, मुख में से इतना कोई लो जब ढूंढने लगे थे तो मुंह में से निकला कोई लो मेरे लाला को कोई लो। तो आप गोकुल जाओगे ना, गोकुल से 3 किलोमीटर पहले कोयला गाँव पड़ता है, उस गाँव का नाम कोयला गाँव पड़ गया, आज भी गाँव कोयला नाम से प्रसिद्ध है। कोई लो आज भी वो गांव, उस गांव का नाम कोयला गांव पड़ गया, आज भी वो गांव कोयला से प्रसिद्ध है। यमुना जी कृष्ण भगवान के पैर छूने के लिए बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं नारायण का रूप है, पहली पहली बार आए हैं, बिना पांव छुए आपको जाने नहीं दूंगी। तो भगवान अब तो मैं भी डूब जाऊंगा, मेरे लाला भी डूब जाएगा। तो जैसे ही भगवान ने अपना पैर बाहर निकाला ना, पैर का अंगूठा सीधे का, और यमुना जी ने टच किया तो उसी समय पे घोंटू पानी हो गया था, चरण छुई उतरी महारानी और घुटमन घुटमन हो गया पानी। अभी भी इतना पानी है, मैं आपको यहाँ से घुमा के लाऊं ना उस पार से, अभी भी उधर इतना पानी है, आराम से आप पार करके जा सकते हो। बोलो कृष्ण का नैया लाल की जय। ऐसे यमुना पार करके लेके गए वासुदेव टोकरी में रख के गोकुल के लिए। वो जो झंडा दिख रहा है रेड वाला,
वहां पे बना हुआ गोकुल गेट, अभी धूप की वजह से दिख नहीं रहा आप लोगों को, उधर सामने गोकुल गेट बना हुआ से बोलते गोकुल द्वार, उधर से गोकुल जाने का रास्ता जंगल में होके 12 किलोमीटर आगे गोकुल जा से है ये थोड़ा सा इलाके में, यहाँ पे ये पेड़ वगैरह, उसके बाद में सिटी है आगे। आप कहाँ पर निकले थे? वो तो वृंदावन कालीद है, वो तो ऊपर यहीं से ऊपर आ गया था अपने 7 पन का शेष रात। और देखो ये सामने वाला संत घाट है, संत घाट ये मस्जिद है, इसमें हनुमान जी और शंकर भगवान की मूर्ति है मस्जिद के अंदर, व्हाइट व्हाइट और ये रेड है क्या इसकी गुम्मट। ये सामने वाला संत घाट है, इसके अंदर हनुमान जी और शंकर भगवान की मूर्ति, अब यहाँ पे निवाज नहीं होती है, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र होता है, ये संत घाट है सामने वाला। हाँ भैया इसी में अंदर, हाँ अब इसमें निवाज नहीं होती, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र। अब कहने का मतलब ये मंदिर है, ये इसकी बनावट मस्जिद जैसी है, ये मंदिर है। हाँ वहां पे बड़ा हुआ है थोड़ा सा है बस रास्ता। जिसका राज जो होता है ना, यहाँ का राजा होगा उसकी सबसे ज्यादा चीजें बनती हैं। और क्या आपने देखा होगा, छोटी सी गली है उसमें, ज्यादा गैप नहीं है, इतना बोट में है ना 5 फुट, इतना ही होगा उसमें, ज्यादा उसमें गैप नहीं है। और देखो ये सामने वाला सूरत वालों की हवेली है, गुजरात में ना सूरत, वहां के गुजराती लोगों ने दान में दिया पंडा जी को पूरा बिल्डिंग, ये सूरत वालों की हवेली है। हाँ ये पूरा बिल्डिंग सूरत वालों ने दान में दिया है पंडा जी को। सामने ये गुजराती घाट है, गंगा घाट, सूरज घाट। आरती कितने बजे होती है? 5:30 बजे। और ये सामने वाला गुदड़िया घाट, गुदड़िया घाट गुलर का पेड़ देखा आपने, गुलर का पेड़, इस पर फल आते हैं छोटे छोटे। सामने दुर्वासा मुनि का आश्रम है, कृष्ण भगवान के गुरु दुर्वासा मुनि, जो भगवान की 16108 गोपियां थी ना, उनके उनके गुरु के लिए भोजन लेके जाती थी प्रसाद के रूप में, उस पार इस पार से उस पार। सामने मंदिर दिख रहा है ना, वो दुर्वासा मुनि का आश्रम, ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, शराब दे देते थे, उनका ही मंदिर है उस पार। है। और ये सामने वाला अस्कुंडा घाट है, यहाँ पे रेलिंग लगा हुआ है ना, ये वाला अस्कुंडा घाट है, यहीं से द्वारका जी का मंदिर है, ऊपर सीढ़ी चढ़ते 1 मिनट में आप मंदिर पे पहुंच जाओगे, इसे अस्कुंडा घाट बोलते हैं, वैसे ये द्वारका जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नहीं आ गया अभी जा रहे। सवारी बस चलते ट्रिप और ये सामने वाला सेठ लक्ष्मीचंद की हवेली, जिन्होंने द्वारकाधीश मंदिर बनवाया है, कलकत्ता के रहने वाले थे सेठ लक्ष्मीचंद, उनके कोई संतान नहीं थी, 70 वर्ष की उम्र में उनके पत्नी के एक लड़का हुआ था, यमुना जी और कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया था कि मेरा मंदिर बनवा, मेरी पूजा कर तो तुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद में उन्होंने द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया, ये सामने जो बिल्डिंग के सामने इसी की द्वारकाधीश की हवेली उन्होंने बनवाई है सेठ लक्ष्मीचंद ने, 70 वर्ष की उम्र में उनके पत्नी के एक लड़का हुआ था, फिर उसके बाद में
और क्या, बाहर रहते हैं वो, यहाँ से सब छुट छाड़ के वो तो ऊपर चले गए और जो वंशज है वो बाहर रहते हैं। अब ये पुजारी जी के कब्जे में है। पोपवाई घाट और ये सामने वाला पोपवाई घाट है, अंदर इसमें लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है, देखो सामने दर्शन हो रहे हैं। हाँ लक्ष्मी जी भाई, पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा खराब हो गया। और ये पीला वाला ना, ये वाला महापुर जी वल्लभाचार्य जी की बैठक, जो 84 को उसकी यात्रा होती है, यहीं से शुरू होती है, यहीं पे आके खत्म होती है। हाँ ये वल्लभ घाट है, चारों धाम घूमते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री इलाहाबाद सब। चौरासी खम्भे बिंद्र गोकुल में रमन रेती के पास में, ब्रह्मांड घाट, रमन रेती, चौरासी खम्भे, चिंतारण, महादेव, ये सब एक ही जगह पे हैं। और ये सामने पीला वाला विश्राम घाट है, विश्राम घाट है, कंस को मार के श्री कृष्ण भगवान ने अगर विश्राम किया था, यहीं पे यमुना जी की आरती होती है सुबह शाम, शाम को 7 बजे होता है 5 आरती, 1 आरती 5:30 बजे होती है सुबह। ये 25 घाटों का राजा विश्राम घाट है, इसके 12 घाट इधर है और 12 घाट इधर, बीच में ये विश्राम घाट। और वो सामने ब्लैक ब्लैक गुम्बद दिख रहा है ना, वो मामा कंस की पत्नी की समाधि है, जब भगवान ने कंस को मार दिया तो उधर से कूद के वो सती हो गई। पहले 7 मंजिल का था, जब मोमडन लोगों का शासन आया उन्होंने तोड़वा के 2 मंजिल का बनवा दिया, ऐसे गुम्बद की तरह, इसे बोलते हैं सती घाट, सती का बोल। हाँ सती का बुर्ज, सती इसी में समाधि है उनकी, सती के बुर्ज में, सती टावर बोलते हैं। और इससे आगे यमुना जी को साड़ी सिंगार जो पहनाती है, जैसे लेडीज के 16 सिंगार होते हैं ना, ऐसे यमुना जी का 16 सिंगार होता है। यमुना जी को इस पार से उस पार पूरा एक साड़ी जॉइंट करके पूरा यमुना जी में पहनाते हैं, 51 साड़ी का, 101 साड़ी, जैसे जिसकी भावना होती है वो वैसा ही करता है। 16 सिंगार होता है, यहाँ सिंगार घाट बोलते हैं। हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया गाना गाकर, आप देख सकते हैं तो यहाँ पर वो गाने गा रहे थे, देखिए कैसे दिए जला के केक काट रहे हैं। हम लोग घर पर वैसे कैंडल्स जलाते हैं, लेकिन कितना अच्छा है कि उन्होंने दिए जला रखे हैं। तो हम यही बोलेंगे कि हैप्पी बर्थडे भगवान, और यमुना माता जो है उनको बहुत अच्छे से ब्लेस करें, अच्छे से आशीर्वाद दें, उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, ऐसा कभी नहीं देखा था हमने कि कोई घर से केक लेकर यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आया हो, बहुत अच्छा था ये चीज़। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू भगवान, मे गॉड ब्लेस यू। मथुरा के अंदर, मथुरा के अंदर, गॉड ब्लेस यू। बोलो यमुना माता की जय, बाके बिहारी की। रिटर्न में आएंगे ना, रिटर्न में मैं आगे जाऊंगा। अभी हम यहाँ पे रात में आए थे ये कुंड को देखने, देखिए कितना सुंदर है, रात में लाइटिंग्स की वजह से और भी ज़्यादा सुंदर लगती है ये, डेकोरेशन किया है, आर्किटेक्चर सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। तो इस कुंड का नाम है पोटरा कुंड, ये बहुत ही बड़ा एक कुंड जैसा इन्होंने बनाया था, जैसे सीढ़ी आप देख सकते हैं चारों तरफ से लगी है। यहाँ पे इनका महत्व यही है कि जो कृष्ण जी थे उनके माता पिता यहाँ पर आकर अपने बच्चों के कपड़े धोया करते हैं, तो इसका महत्व सिर्फ यही बताया गया है।
जो देवकी और वासुदेव थे कृष्ण के माता पिता, उनके बच्चों के कपड़े वो यहाँ पर ला कर लिया करते थे। ये पटरा कौन? ये पटरा कौन? जय जमुना मई।